गुड मॉर्निंग वश्चल। गुड आफ्टरनून अतुल, सौरभ, वश्यल, विकास। गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस क्लियर आप तक जा रही है? यथार्थ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संतोष। गुड आफ्टरनून अजय, हिमांशु। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनूप। गुड आफ्टरनून अरुण। गुड आफ्टरनून आकाश, रितेश। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कनक। गुड आफ्टरनून अमन, सोनू। गुड आफ्टरनून। चलिए, लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था, एंड गेट हो चुका था आपका ना, आर गेट की ट्रुथ टेबल सभी की हो गई है। आर गेट की ट्रुथ टेबल आपने बना ली थी। ट्रूथ टेबल ऑफ आर गेट, यही था, यही टॉपिक चल रहा था ना? नहीं। ओके, देखिए जिसका भी हुआ होगा यहाँ बता दे रहा हूं मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ बना सकते हैं। देखिए, ट्रूथ टेबल में आप सभी को पता है क्या होता है, इनपुट होता है, क्या होता है, इनपुट होता है, और क्या होता है, आउटपुट होता है। अंजलि, ओके अंजलि। ओके अंजलि, इस पे कॉल करो आप।
नौ में से एक उसमें नहीं है। ओके अंजलि, क्लास के बाद कॉल करना, क्लास के बाद तुरंत कॉल करना। देखिए इनपुट इनपुट में क्या है आपका, ए और बी था, याद होगा आपको क्या था, ए था और बी था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने लास्ट में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, कि आपकी जो ट्रुथ टेबल होती है वो कैसे बनती है, ठीक, ये सब बता दिया गया था। और आर गेट मैंने पढ़ाया भी था कि आर गेट में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट वन आ जाता है तो आपका आउटपुट क्या होता है, वन होता है। मतलब गिवन सीक्वेंस में, गिवन इनपुट में अगर एक भी वैल्यू वन आ जाती है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वाई। वाई आउटपुट है जो ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब दोनों को प्लस करने, प्लस नहीं करना है, आर है, प्लस का मतलब क्या होता है, आर होता है। इसका मतलब आप लोग एडिशन मत समझना, एडिशन नहीं है, क्या है, आर गेट है, ठीक है। एडिशन और आर में वो डिफरेंट होता है, ध्यान रखिएगा आप। जीरो, पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों को जीरो कर देते हैं, ठीक है, जीरो जीरो। आप सभी को पता है कि अगर जीरो आर जीरो करोगे, आर प्लस नहीं है मतलब ये ऐड नहीं है, ध्यान रखना एडिशन नहीं है, जीरो आर जीरो करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। फिर अगर आप जीरो और वन करते हो, जीरो और क्या करते हो, वन करते हो, ध्यान रखिएगा, अगर आप जीरो और वन करते हो तो जीरो और वन, तो एक इनपुट वन हो गया, मैंने बताया था अगर एक भी इनपुट वन हो जाए तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। वेरी गुड अंजलि, अब यहाँ पे क्या है, वन है, यहाँ पे क्या है, वन है, तो वन और जीरो है, ठीक है, वन जीरो का आर करोगे तो एक वन आ गया तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। ओके सभी क्लियर, वेरी गुड, यहाँ पे वन करते जाओ, ठीक है। इसके बाद वन प्लस वन है, मतलब वन है और वन है, मैंने कहा था कि अगर एक भी वन आ जाए तो क्या आ जाएगा, वन, यहाँ तो दो दो वन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। ऐड मत करना, वन प्लस वन अगर ऐड करोगे तो जीरो आता है, याद होगा आपको, लेकिन अगर वन आर वन करते हो तो क्या आएगा, वन आएगा, ये बताया जाएगा। ये क्या है, आर गेट है और ये क्या है, एडिशन है, तो एडिशन और आर में डिफरेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको मिल गया क्या अरुण, वेरी गुड, जीरो वन वन वन, सही है, ये ट्रूथ टेबल किसकी ट्रूथ टेबल है, आर गेट की ट्रूथ टेबल है, ध्यान रखना, किसकी ट्रूथ टेबल है, आर गेट की ट्रूथ टेबल है। सभी को क्लियर है ये यहाँ तक, सभी को ट्रूथ टेबल क्लियर है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ ना, एक वर्क ये करने जा रहा हूँ कि मैं नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाने जा रहा हूँ, जो नंबर ऑफ इनपुट्स को इंक्रीज करने जा रहा हूँ, ठीक है, आइए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मान लेता हूँ हमारे पास ये सर्किट है, ये आपके पास क्या है, कोई एंड गेट है, ठीक है, ये क्या है, कोई एंड गेट है, या चलो मैं आर मान के चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सॉरी आर लेके चलता हूँ तो आर ये नहीं होता, ठीक है, ये आपका क्या है, आर गेट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये कौन सा गेट है, आर गेट है। आर इस बार कितने इनपुट है, थ्री इनपुट है, ए है, बी है और क्या है, सी है, आउटपुट वाई है, ठीक। तो अब यहां से ये कौन सा गेट है, आर गेट है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, इस पे फोकस थोड़ा सा करना है यहाँ पे आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, क्या बना रहा हूँ, ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका पहला क्या है, इनपुट होगा, क्या होगा, इनपुट होगा, फिर क्या होगा आपका, आउटपुट होगा, इनपुट और आउटपुट होगा। चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा, इनपुट में कितने हैं आपके, तीन है, ए बी और सी, आउटपुट में क्या आपका, वाई है। चलिए देखिएगा, अब अगर मैं आपसे कहता हूं इनपुट यहां पे क्या लेके चल रहा हूं, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू जीरो, बताइए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, जीरो, सभी को पता है आउटपुट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि
क्योंकि आर में अगर एक भी वन होगा तो आउटपुट वन आएगा, अगर सब जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए जीरो हो गया। इसके बाद हम जीरो लेते हैं इसको, इसको जीरो, इसको वन कर देते हैं, आउटपुट क्या आएगा, एक भी वन हुआ तो वन, अगर एक भी वन हुआ तो वन हो जाएगा। ऐसे ही टोटल कितने सीक्वेंस बनेंगे, ध्यान रखिएगा टोटल कितने सीक्वेंस बनते हैं, मैं आपको यहां बता दे रहा हूं पहले से ही। अगर आपके दो वेरिएबल्स होते हैं, कितने वेरिएबल्स, कितने इनपुट होते हैं, अगर दो इनपुट होते हैं, ध्यान रखना, अगर आपके टू इनपुट होते हैं तो याद होगा टोटल चार कॉम्बिनेशन बने थे, कितने कॉम्बिनेशन, चार, चार का मतलब टू की पावर टू, टू की पावर टू दैट इज क्या आएगा, फोर। जितने इनपुट होंगे उसको हम यहाँ पावर में लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे, पावर में, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे थ्री इनपुट है, कितने इनपुट है, तीन इनपुट है, तो आप लोग क्या करेंगे, ओके आशीष सभी अपॉन होगा, सही, वेरी गुड, टू की पावर थ्री हो जाएगा, टू यहाँ रहेगा, ठीक है, लेकिन जितने इनपुट होंगे उसको पावर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एट, क्या हो जाएगा, एट, मतलब टोटल यहाँ कितने इनपुट होने वाले हैं, एट होने वाले हैं, मतलब टोटल एट सीक्वेंस बनने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। आप बताओ अगर चार वेरिएबल होंगे, अगर कितने इनपुट होंगे, फोर इनपुट होंगे, तो बताइए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सभी को पता है टू की पावर फोर, टू की पावर फोर क्या होता है, 16, ओके वेरी गुड। इसका मतलब है आप लोग पता कर ले जाएंगे कि हमको कितने सीक्वेंस बनाने हैं, ठीक है। अब वो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे एक बार देख लेना यहाँ पे। तो पहले जीरो जीरो, तुमने तीनों को जीरो कर दिया, कोई मैच नहीं करना चाहिए, अगली बार मैंने इसको वन कर दिया और ये जीरो हो गया, तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू भी क्या होगी, वन होगी। नेक्स्ट टाइम मैंने इसको जीरो किया, इसको वन किया और इसको भी वन कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा, एक बार वन आ गया तो वन, बाकी चाहे दो बार आए चार बार आए इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसको मैंने वन किया, इसको जीरो जीरो किया, देखिए कोई भी सीक्वेंस मैच नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ गया वन जीरो वन, देखिए कोई मैच नहीं कर रहा होगा, यहाँ भी वन आ गया, इसके बाद आ गया वन वन जीरो, यहाँ भी वन आ गया, लास्ट आपका है वन वन वन, यहाँ भी क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। ये सीक्वेंस ध्यान देना, कोई सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा होगा और इसके अलावा कोई और सीक्वेंस हो भी नहीं सकता। टोटल कितने हो गए देखिए आप ध्यान से, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, पहला जीरो बाकी सब वन हो गए। अब आप लोग कैसे लिखेंगे, अभी तो मैं लिखने का एक तरीका ऐसे बता दे रहा हूँ, याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि तीन इनपुट के लिए कभी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना अगर आपको इसको लिखना लिखना स्टार्ट करना हो तीन वेरिएबल का, तो ऐसे करना ए बी सी ऐसे लिख लेना, ठीक है, ध्यान देना। अगर आपको ये सीक्वेंस लिखना हो कि कोई गलती ना हो, तो अभी के लिए मैं एक पैटर्न बता दे रहा हूँ, उसको याद कर लेना। अगर तीन इनपुट की बात हो रही है यहाँ पे, अगर कितने की बात हो रही है, तीन इनपुट की बात हो रही है, तो हमेशा क्या करना, सबसे पहले फोर टाइम जीरो लिख लेना, कितने टाइम, फोर टाइम जीरो, यहाँ फोर टाइम जीरो, आप सभी को पता है क्या आएगा, वन आता है, वन से स्टार्ट, वन के बाद टू, टू के बाद क्या आएगा, फोर आएगा, यही आता है ना। अगर आप तीन की बात कर रहे हो, कितने हैं, एक दो तीन है, तो तीन में हम लोग जो पैटर्न लिखते थे याद होगा, वन टू फोर, वन टू फोर, ये बात सभी को समझ में आ रही है। अगर तीन बिट की बात हो रही है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वन टू फोर, सभी ध्यान रखना, बस एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, एक तरीका बता दे रहा हूँ और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। वन टू फोर, तो पहले क्या लिखना आपको, फोर टाइम जीरो, पहले इसको फोर को लेके चलना, ठीक है, इसके लिए फोर हो जाएगा, इसके लिए टू, इसके लिए वन, तो पहले फोर को लेके चलना, फोर टाइम जीरो, फोर टाइम वन, आठ तो हो गए ना, देखिए आठ हो गए, जीरो 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 वन। अब क्या करना आपको, टू टाइम जीरो, टू टाइम वन, सेकंड के लिए क्या होगा आपका, पहले के लिए फोर हो गया, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू टाइम जीरो, टू टाइम वन, ठीक है, फिर टू टाइम जीरो और फिर टू टाइम वन, ऐसे दो, मतलब दो दो बार जीरो, दो दो बार वन लिखते चले जाओ, ठीक। इसके बाद एक बार जीरो एक बार वन, क्योंकि इसके लिए वन है, तो एक बार जीरो एक बार वन, एक बार जीरो एक बार वन, यहाँ भी एक बार जीरो एक बार वन, एक बार जीरो एक बार वन, ऐसा लिख दिया, सेम यही बन गया होगा, सेम यही बन गया होगा। अब आउटपुट लिखने में तो किसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके जीरो आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, वन 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 वन, बताओ बन जाएगी ट्रुथ टेबल की नहीं बन जाएगी,
यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? खुद से पैटर्न लिख सकते हो पूरा का पूरा, कोई गलती नहीं हो किसी की। ओके वेरी गुड वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। ये ट्रुथ टेबल बना सकते हो, ठीक है, ये बना सकते हो जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ था ये वाला। तीन वेरिएबल की बात यहाँ पे हो रही है, जिसको आपको बनाना हो बना सकते, बस इतना बनाना है, ठीक है, यही। ओके ऐसे ही एंड का कर सकते हो आप लोग, ठीक है, एंड का भी आप लोग कर सकते हो, तीन वेरिएबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फोर से ज्यादा नहीं, आपके पास मैक्सिमम फोर इनपुट, रविंद्र मैक्सिमम फोर इनपुट। अभी तो यहाँ पे आपको जब सॉल्व करना आप दो इनपुट से काम कर लेना, ठीक है, लेकिन जैसे एग्जाम में जब आगे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे तो पैटर्न की जरूरत जो पड़ेगी वो फोर वेरिएबल तक पड़ेगी, फोर इनपुट, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगी। ओके चलिए ठीक है, मैं रेज करने जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे हो गया आपका ये नार गेट, अब बात करते हैं नॉट गेट की। किसकी? नॉट गेट की, नॉट गेट। देखिएगा थर्ड आपका यहाँ पे है नॉट गेट, ये क्या होता है, इसमें लिखिएगा इट टेक्स ओनली वन इनपुट, इट टेक्स ओनली वन इनपुट, इट गिव्स द, कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवेन इनपुट, मीन्स इट मीन्स इफ इनपुट बी लॉजिक वन देन आउटपुट मस्ट बी, आउटपुट मस्ट बी लॉजिक जीरो एंड वाइस वर्सा लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा यहां क्या लिखा है, मैं बार फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे वाइस वर्सा। इसका मतलब है इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, ठीक है, अगर वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, नॉट नॉट है एंड आर नॉट, ठीक है, तीन गेट बताए गए थे ना आपको, एंड आर और नॉट गेट। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर हम इसका अपोजिट करें तब भी सही, इनपुट जीरो करेंगे तो वन आएगा, वन करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब बोल सकते हो अगर इनपुट यहाँ पे वन देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, अगर जीरो देंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, और एक ही इनपुट यहाँ पे लेता है इसका कॉम्प्लीमेंट देता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट। इट इज डिनोटेड बाय बार सिंबल,
पहला पॉइंट तो क्लियर है सभी को, बोला गया है कि इट टेक्स ओनली वन इनपुट, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो लॉजिक जीरो या तो वन। दूसरा यहां पॉइंट है, इट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन इनपुट। इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, जो भी इनपुट होगा उसका अपोजिट जनरेट करेगा, मतलब उसका उल्टा जनरेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट देगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इट मीन्स, उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर आपका इनपुट लॉजिक वन होता है तो आपका जो आउटपुट होगा वो लॉजिक जीरो होना चाहिए, ठीक है, 100% होगा। और इसका उल्टा भी सही है, मतलब अगर इनपुट लॉजिक जीरो होगा तो आउटपुट लॉजिक वन आएगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया इस चीज को, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कैसे हम पहचानेंगे कि कहाँ पे नॉट गेट लगाना है, तो जहां पे बार लगा होगा, जहां पे क्या लगा होगा, बार लगा, उसका मतलब वहां पे क्या लगाना है, नॉट गेट। बार का मतलब इसे ए के ऊपर अगर ऐसे लग गया, इसका मतलब ए बार है, ये क्या है, ए बार है। और ए बार का मतलब है ए में कौन सा गेट लगा है, नॉट गेट। कौन सा गेट यहाँ पे लगा हुआ है, नॉट गेट। जहां जहां बार दिखेगा आपको, डैश से भी रिपेंड करते हैं, किससे करते हैं, डैश से भी करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो डैश हो तब भी क्या मानेंगे आप लोग, नॉट गेट। अगर यहाँ पे क्या लगा हो, बार लगा, तब भी क्या मानेंगे आप लोग, यहाँ पे नॉट गेट, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़े, हो गया है सभी का। यहां तक हो गया सभी का, आगे कंटिन्यू करें। ओके अंजलि, हिमांशु, ओके, आई होप क्लियर होगा सभी का, वेरी गुड। चलिए डेफिनेशन हो गई, आपको पता होगा गेट जब हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डेफिनेशन हो गई। अब किसकी बारी है, यहाँ पे उन्हें बताया सिंबल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंबल। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं सिंबल की। सिंबल, अब सिंबल में ये इनपुट एक ही होगा, ठीक है, यहाँ पे इनपुट कोई ना कोई एक ही होगा, मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, ए है, ए नाम का क्या है आपका इनपुट है, और इस तरीके का सिंबल होगा, ध्यान रखिएगा, ये कुछ आपको रेक्टेंगल के जैसा होगा, इसके आगे सर्कल बना होगा छोटा सा, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, ए का बार, क्या मिलेगा, ए का बार, ध्यान रखिएगा, ठीक। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ए का डैश भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है अगर यहां हम बात करें एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए का बार, वाई इक्वल टू ए का बार, ध्यान रखना ये है आपका नॉट गेट, ये आपका ए है, सिंपल वेरिएबल ए है। अगर ए के ऊपर बार लग गया तो क्या हो जाएगा, ए का बार हो जाएगा। सिंपल का मतलब यहाँ पे कोई भी बस इनपुट है ना, अजय बार ना लगा हो तो क्या कहते हैं, वो तो सिंपल इनपुट है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। आपको सिंबल पता चल गया कि नॉट गेट का सिंबल क्या होता है। आइए बात कर लेते हैं ट्रूथ टेबल की, किसकी बात करते हैं, ट्रूथ टेबल की। आपको पता है ट्रूथ टेबल में क्या करना होता है, इनपुट, क्या करना होता है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अब यहां पर इनपुट कितने हैं, सिर्फ एक इनपुट है ए, और आउटपुट क्या है, एक है, वाई, वाई इक्वल टू ए का बार लिख सकते हो यहाँ पे, डोंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जीरो दिया तो क्या आएगा, वन आएगा, अगर जीरो दिया तो क्या आएगा, वन आएगा, अगर वन दिया तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यही ट्रूथ टेबल हो गई, क्योंकि यहाँ दो ही ऑप्शन ही है, क्योंकि आपको पता है एक इनपुट में आपके दो ही ऑप्शन होते हैं, मैंने बताया था अगर एक इनपुट है, अगर कितने इनपुट है आपके, एक इनपुट है, तो आपको कितने नंबर आप पॉसिबल मिलेंगे, 2 की पावर 1, दैट इज 2, ठीक है। दो ही है यहाँ पे पॉसिबिलिटी, एक जीरो एक वन की। अगर दो इनपुट होते तो 4 पॉसिबिलिटी, अगर 3 होते तो 8 पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये लेकिन नॉट गेट में क्या होगा, एक ही इनपुट होगा, ध्यान रखना है इस चीज का आप लोग। हो जाएगा तीनों के तीनों लॉजिक गेट हो जाएंगे ना, एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट डिफाइन कर लोगे आप लोग। ओके चलिए देखिएगा आगे एग्जाम में क्या आता है, आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया होगा और आपसे बोला जाएगा कि आप सर्किट डिजाइन करो,
ठीक है, आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप लोग सर्किट डिजाइन करो, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहां तक हो गया होगा, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एक इनपुट से ज्यादा नहीं होगा, बाकी में आप दो दो तीन तीन चार चार इनपुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं। बात यहां पे कर लेते हैं। एक देखिए, हेडिंग ऐसे बना लीजिए, ठीक है, सर्किट डिजाइन। कैसे आप सर्किट को डिजाइन करते हो, उसी भी यहां पे डिस्कशन हमें करना है, ठीक है। फ्रॉम गिवेन एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, वहां से क्या करना है आपको, सर्किट डिजाइन करना है। तीन चीज ध्यान रखना, इनटू का मतलब होता है क्या, एंड गेट, एंड, और प्लस का मतलब क्या होता है, आर, और साथ ही साथ बार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बार लिखा हुआ है ऐसे समझना, ठीक है, नॉट। जी, विकास, नॉट। चलिए, देखिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है, y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू ऐसे दिया जाएगा, ये आउटपुट है, ठीक है। ये क्या होगा, आउटपुट होगा, जैसे यहाँ दिया गया ए बी प्लस बी बार, ये दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इधर क्या होंगे आपके इनपुट वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे आपके इनपुट वेरिएबल्स होंगे। कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं, दो हैं। कैसे पता लगा आपको, आप राइट साइड में देखना, लेफ्ट साइड में आपका आउटपुट वेरिएबल होगा, राइट साइड में क्या होगा आपका इनपुट वेरिएबल। कितने हैं, एक दो, ए भी दिख रहे हैं, दो ही हैं, ऐसे मत ऐड करना बी बार, नहीं मतलब बी एक ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। अरमान, बाकी सभी का सही चल रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, कितने इनपुट वेरिएबल कितने आउटपुट वेरिएबल, क्लियर है सभी को, आउटपुट में तो एक ही होगा। चलिए देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, पहले डिसाइड करेंगे टोटल इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल इक्वल टू कितने हैं यहाँ पे, टू हैं, और जितने इनपुट वेरिएबल होंगे उतनी लाइन ड्रा कर लेना है यहाँ पे। ओके, मैं कह रहा हूं सचिन, ये सर्किट दी गई है आपको, ये सर्किट दी गई है, और इस सर्किट में जितने वेरिएबल आपके क्या होंगे, राइट में होंगे, ये होता है राइट साइड, ये होता है राइट साइड, और ये होता है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में आउटपुट वेरिएबल होगा, ये क्या होगा आपका आउटपुट वेरिएबल होगा, ठीक है, और ए और बी क्या होंगे आपके इनपुट वेरिएबल। तो बोल सकते हो आपका यहाँ पे इनपुट वेरिएबल क्या हो गया, इनपुट वेरिएबल ये क्या हो गया आपके, ए और बी हो गए, और आपका यहाँ पे जो आउटपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे वाई हो गया, वाई क्या आपका आउटपुट वेरिएबल। अब बात क्लियर हुई कुछ, सचिन डिसाइड कर लिया आप लोगों ने, सभी ने इनपुट क्या होगा आउटपुट क्या होगा। अब एक काम करना आप, कि जितने, ठीक है, जितने आपको इनपुट वेरिएबल हैं उतने आप यहाँ पे इनपुट लाइन ड्रा कर लेना, ये इनपुट लाइन रही आपकी, ए और बी दो थे, मैंने दो ड्रा कर लिया, ऐसे ही सर्किट डिजाइन करनी है, ठीक। चलिए, पहले आपने क्या डिसाइड किया कि यार ए बी दो इनपुट ड्रा कर लिया, अब ध्यान दीजिए, दिखाइए कि बार किस में है, बार किस वेरिएबल में लगा है, बार आपका किस किस वेरिएबल में लगा है,
बी में, किस में लगा है? बी में। ओके वेरी गुड, किस में लगा है? बी में। तो बी में अगर बार लगाया तो बार का मतलब कौन सा गेट होता है? बार का मतलब कौन सा गेट होता है? बार का मतलब नॉट गेट होता है। वेरी गुड, तो आप बी के साथ एक क्या लाइन बनाइए, इसमें लगाइए नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। और एक लाइन और ड्रा कर दीजिए, मतलब अभी ये कौन सी लाइन हो गई? बी बार। कौन सी लाइन हो गई? बी बार। यहां तक बात समझ आई आपको? कौन सा गेट? नॉट गेट। आई होप कि क्लियर होगा। इसका मतलब है जितने लोगों पे बार लगा होगा सबके आगे आपको नॉट गेट लगा के एक लाइन ड्रा कर देनी है, मतलब ये क्या कौन सी लाइन हो गई? बी बार की लाइन हो गई। ठीक है, ये बी लाइन, बी की लाइन है, बी बार की लाइन है। अगर हमें बी बार चाहिए तो यहां से लेंगे, बी चाहिए तो यहां से लेंगे, ए बार की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए बार नहीं लगा हुआ, इसलिए ए में नॉट गेट की जरूरत नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, पहले आपको एंड सॉल्व करना है। पहले कौन सॉल्व करना है? एंड सॉल्व करना है। फिर इन दोनों को आपको पता है प्लस क्या कर रहा है? प्लस इसको, इस पूरे को और इसको, दोनों को प्लस कर रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग इनको सॉल्व कर लें। क्लियर, किसको सॉल्व कर लें? इन दोनों को। इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच में कौन सा गेट है? ए और बी के बीच में कौन सा गेट है? ए और बी के बीच में कौन सा गेट है? एंड गेट। सभी को पता है एंड गेट है, इनटू लगा हुआ है, तो कौन सा गेट है? एंड गेट है। ओके, तो ए को यहां से लो, ध्यान रखना ए को आपको यहां से इनपुट लेना है। ए, ये रहा बी आपका, दोनों के बीच में कौन सा गेट? एंड गेट। ये रहा एंड गेट का सिंबल, कल आपने पढ़ा हुआ था। ठीक, यहां से क्या मिल गया आपको? ए बी। क्या मिल गया? ए और बी, ए इंटू बी मिल गया। ध्यान रखना, सही से लिखना इसको, ए इंटू बी मिल गया। ठीक, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई। वाई बोल रहा है कि मुझे जो ए बी है और बी बार है उसका क्या चाहिए? मुझे आर चाहिए। तो ये रहा आपका ए बी, यहां से मिल गया, ये रहा बी बार, बी बार यहां से मिल गया। ठीक है, तो ए बी यहां से आ रहा है, ये बी बार आ रहा, आपको पता ही है यहां से क्या आ रहा है? बी बार आ रहा। दोनों के बीच में कौन सा गेट? आर गेट। क्यों? क्योंकि प्लस है, ए बी प्लस बी बार में प्लस है, तो आर गेट। ठीक है, ये मिल गया आपको क्या? ए बी प्लस बी बार, ए बी पहला वाला, दूसरा वाला बी बार, आर के नाते क्या लग जाएगा? प्लस यहाँ पे, तो बी बार। यही तो वाई है आपका, मिल गया आपको। सर्किट डिजाइन हो गई आपकी, सर्किट क्या हो यहाँ पे? डिजाइन हो गई। ठीक है, सभी को समझ में आया? फिर से बताइए, कौन आशुतोष? क्या हुआ आशुतोष? किसमें प्रॉब्लम है आशुतोष, ये बताओ। कम समझ आया, अच्छा चलो देखो, फिर से डिजाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हाँ क्वेश्चन तो मैं बहुत करवाऊंगा आपको यथार्थ, डोंट वरी, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले सॉल्व कर दो इसकी प्रॉब्लम को। देखो आशुतोष, कितने हैं आपके पास वो इनपुट वेरिएबल? ये डिसाइड, ये तो क्लियर है, इनपुट कितने हैं? क्लियर है जी। विकास, सर्किट डिजाइन करना है। देखो एक लाइन बना लिया ए का, एक लाइन बना लिया बी का। ओके, इसके बाद इससे मैंने एक गेट लगा दिया नॉट गेट, क्योंकि मुझे बी बार चाहिए था। क्या चाहिए था? बी बार। यहां तक क्लियर है आशुतोष, या बाकी जो लोग भी प्रॉब्लम में हैं? बाकी कोई तो नहीं है, ठीक है, सभी लोग यस यस, ओके वेरी गुड। यहां तक क्लियर है? बोलते जाओ, यो मैं रिप्लाई करो फास्ट। ओके, अब देखो यहां पे क्या करना था, करना था ए बी प्लस बी बार। तो पहले ए बी तो निकाल लो, क्या निकाल लो? ए बी, आपको पता है ये रहा ए और ये रहा बी, कौन सा गेट? एंड गेट, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां से क्या आ गया? ए बी आ गया आशुतोष। नॉट गेट क्यों लगा है? बार यहां पे जो है बी में बार है ना रविंद्र, बी में बार है, इसलिए मुझे बी से बी बार लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? नॉट गेट लगाना होगा बी में, तभी तो बी बार मिलेगा।
चलिए आज तो यहां तक क्लियर है। अब क्या चाहिए, ए भी मिल चुका है, प्लस कर दो किससे, बी बार से। प्लस का मतलब आर होता है यार, प्लस का मतलब क्या होता है, आर होता है। इसका मतलब है बी बार, देखो यहाँ पे है, ये बी बार की लाइन है पता है ना, इसको उठाओ, ए बी बार अभी निकाल के आ रहे हो, दोनों को क्या लगा दो, आर गेट लगा दो, प्लस हो गया दोनों, जो मिलेगा वो क्या होगा, ए बी इधर से क्या आ रहा था, बी बार आ रहा था, तो ए बी प्लस बी बार, सही है, सभी को क्लियर है। ओके ओके अंजलि, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए कि टोटल 3 गेट यहाँ पे यूज हुए हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लोग, क्वेश्चन मैं यहीं पे दे दे रहा हूँ। वाई इक्वल टू ए बार बी प्लस में ए बी का बार, इसको सॉल्व करना और ये बताना है कितने गेट यहाँ यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ 3 गेट है, पहला गेट है, दूसरा गेट है और तीसरा गेट है, टोटल 3 गेट यूज हो रहे हैं। यहाँ आप लोग बताइएगा टोटल कितने गेट यूज हो रहे हैं। हाँ बार लगाना मस्ट होगा आकाश, बार नहीं होगा तो कैसे कंफर्म हो पाएगा। इसको सॉल्व करिए और बताइए कितने गेट आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अमन नहीं, सही से करो। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, सही से करिए। पहले ए बार निकालना है, बी बार निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। ओके कनक, वेरी गुड कनक, आई होप आपका सही होगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ गेट सही बता रहे हैं तो आपने किया भी सही होगा। अभी तक कनक का सही है। नो हिमांशु, अरुण नहीं, नंबर ऑफ गेट्स जो हैं वो गलत आ रहे हैं आपके, इसका मतलब गलत है। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, अभी आप लोग परेशान ना होइए, अगर नहीं आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आप हर तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, मीटिंग आपकी एंड होने वाली है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, कल आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे और आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा, जिसका नहीं आएगा तो कल बता देंगे, बट आप लोग एक बार एक दिन ट्राई करिए। ओके रितेश, वेरी गुड, सही है, नंबर ऑफ गेट आपके सही है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं।